नमः संस्कृताय। दोस्तों, हम बात कर रहे थे संख्यावाचक शब्दों की, और संख्यावाचक शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम जानते हैं कि तृतीया विभक्ति का प्रयोग हम कैसे करें। तो प्रश्न है हमारा, अधोलिखित प्रश्नानाम, अधो का मतलब नीचे, लिखित लिखे गए प्रश्नानाम प्रश्नों के, नीचे लिखे गए प्रश्नों के, समुचित का मतलब उचित, उत्तराणि उत्तर लिखत लिखिए। अब यहाँ पर प्रश्न है, क्या बालकेन से बालक के साथ मोहन है, मोहन नगरम गच्छति नगर जाता है। बालक के साथ मोहन नगर जाता है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है एकेन और एकया। तो हमें देखना है यहाँ पर क्या बालक शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। बालक शब्द पुल्लिंग है और तृतीया विभक्ति एकवचन है, तो हमें एक शब्द भी पुल्लिंग तृतीया विभक्ति एकवचन लिखना है एकेन। एकया नहीं लिखेंगे, क्योंकि एकया तभी लिखते कि बालक के स्थान पर, बालकेन के स्थान पर तृतीया विभक्ति होती स्त्रीलिंग, तो हम एकया लिखते। तो सोचिए यहाँ पर एकेन और एकया भी नहीं होता, केवल एक लिखा हुआ होता तो हम क्या करते, तो भी हम बालकेन के अनुसार आगे तृतीया विभक्ति एकवचन में एकेन लिखते, ठीक है। और अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर टू, रमया से रमा के साथ गोपाल है, गोपाल। गृहम गच्छति घर जाता है। यहां पर देखिए जो पहले प्रश्न में जो हमारे को कंफ्यूजन था कि इसमें एकेन क्यों आया, एकया क्यों नहीं आया, तो अब दूसरे प्रश्न में वो सॉल्यूशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर रमया है वो स्त्रीलिंग है और तृतीया विभक्ति एकवचन में है। रमया रमाभ्याम रमाभी, तृतीया विभक्ति एकवचन, जैसे बालिकया बालिकाभ्याम बालिकाभी, उसी प्रकार से एक शब्द भी हम तृतीया विभक्ति एकवचन में लिखेंगे एकया। तो लिखेंगे एकया रमया से गोपाल है गृहम गच्छति, एक रमा के साथ गोपाल घर जाता है, एक रमा के साथ गोपाल घर जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सर्वे जना सभी लोग, वाहनेन वाहन से ग्रामम गच्छति गांव जाते हैं। तो यहां पर जो गच्छति शब्द है, ये गच्छति शब्द साथियों गलत है, तो यहां पर क्या आना चाहिए, गच्छन्ति आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो सर्वे जना है ये बहुवचन है, इसलिए गच्छति के स्थान पर क्या होगा, गच्छन्ति। गच्छति के स्थान पर क्या होगा, गच्छन्ति होगा, ये भी हमें ध्यान रखना है। और ब्लिंक में क्या आएगा, ब्लिंक में देखिए वाहनेन शब्द से स्पष्ट हो रहा है, वाहनम वाहने वाहनानि, वाहनम वाहने वाहनानि, वाहनेन वाहनाभ्याम वाहनै। तो यहाँ पर भी ये नपुंसकलिंग शब्द है वाहनेन, तृतीया विभक्ति एकवचन, तो हमें भी तृतीया विभक्ति एकवचन लिखना है एकेन, क्योंकि एक या स्त्रीलिंग है। यहाँ पर हमें दो शुद्ध शब्द करने हैं, क्या, एक तो गच्छति है, इसको हमें क्या करना है, गच्छन्ति करना है, तभी ये हमारा वाक्य करेक्ट होगा। दूसरा, वहां नेन से पहले एकेन लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, से वह जनाभ्याम से दो लोगों के साथ उद्यानम बगीचे में गच्छति जाता है, दो लोगों के साथ बगीचे में जाता है, तो यहां पर जनाभ्याम आया है साथियों, तो आपको आंसर लिखना है द्वाभ्याम। आप कहेंगे द्वाभ्याम आंसर क्यों आया, तो आपका आंसर है कि जनाभ्याम जनेन जनाभ्याम जनई, तो जनाभ्याम है तृतीया विभक्ति द्विवचन, तो तृतीया विभक्ति द्विवचन द्विशब्द द्वाभ्याम होता है, द्वयो तो षष्ठी और सप्तमी द्विवचन होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन नंबर फोर में द्वाभ्याम होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, राधा बालिकाभ्याम से दो लड़कियों के साथ गोकुल नगरम गच्छति, गोकुल नगर जाती है। अब जो द्वाभ्याम 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 तृतीया विभक्ति चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति में द्वि शब्द होता है वो समान होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे नपुंसक लिंग हो। तो यहाँ पर बालिकाभ्याम लिखा हुआ है तृतीया विभक्ति द्विवचन, तो तृतीया विभक्ति द्विवचन द्वाभ्याम लिखेंगे,
जो द्वाभ्याम शब्द है ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में समान होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6, वेदा वेद संति होते हैं। अब वेद शब्द यहां पर पुल्लिंग है, इसलिए यहां पर जो संख्या आएगी वो पुल्लिंग आएगी। तत्सर स्त्रीलिंग है, चत्वारी नपुंसक लिंग है, इसलिए यहां पर वेदा के बाद में पुल्लिंग शब्द आएगा। क्या है वो शब्द? चत्वार है, वेदा चत्वार है, संति वेद चार होते हैं। वित्तस्य, क्वेश्चन नंबर 7, वित्तस्य धन की गतये गतियां भवंती होती हैं। धन की गतियां होती हैं, यहां पर जो गति शब्द है ये स्त्रीलिंग है और बहुवचन है, किसकी तरह चलता है? मति की तरह, मति मति मतय है। तो यहां पर हमें स्त्रीलिंग शब्द है तो यहां पर स्त्रीलिंग लिखेंगे, त्रीणी नपुंसकलिंग है, त्रय पुल्लिंग है, और यहां पर तिस्रे स्त्रीलिंग है तो यहां पर लिखेंगे हम तिस्रे शब्द। वित्तस्य तिस्रे गतये भवन्ति, वित्त की तीन गतियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राजेश है, राजेश फलम खादति, फल खाता है। यहां पर जो फल शब्द है ये क्या है? कर्म है। राजेश क्या खाता है? फल खाता है। जो फल में कर्म है तो हमें इधर भी कर्म ही लिखना है, इधर भी कर्म ही लिखना है। अब एकम, एकम और एकाम ये तीन शब्द लिखे हुए हैं, तीन शब्द लिखे हुए हैं, तो यहां पर केवल दो ही होंगे साथियों। क्या होंगे? दो ही शब्द होंगे और इन दोनों में से हमें एक चूज करना है, दोनों में से हमें एक चूज करना है। कौन सा शब्द होगा, कौन सा शब्द होगा? तो यहां पर जो फलम है, कर्म है, तो हमें एकम चूज करना होगा। क्या चूज करना होगा? एकम। क्यों? क्योंकि फलम द्वितीय विभक्ति एकवचन में है, तो एकम भी द्वितीय एकवचन में होगा। एकाम तो स्त्रीलिंग है इसलिए एकाम आएगा ही नहीं, क्योंकि फल स्त्रीलिंग नहीं है। राजेश है, एकम फलम खादति, राजेश एक फल खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, महिमा बालकम पश्यति, बालक को देखती है। यहां पर जो बालक है ये क्या है? पुल्लिंग है, इसलिए हमें यहाँ पर पुल्लिंग लिखना होगा, एकम। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? एकम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गरिमा, नेक्स्ट क्या है? गरिमा कन्याम, कन्या को उद्याने बगीचे में पश्यति देखती है। यहां पर आया कन्याम, स्त्रीलिंग है और कर्म कारक है, द्वितीय विभक्ति एकवचन है, कन्या कन्ये कन्या कन्याम द्वितीय विभक्ति एकवचन है, इसलिए यहां पर भी हम स्त्रीलिंग लिखेंगे, एकाम। तो गरिमा एकाम कन्याम उद्याने पश्यति, गरिमा एक कन्या को बगीचे में देखती है। धन्यवाद।